आप बस यही कहना चाहते हैं कि ये चाय का जो स्टॉल खुला है बहुत ही जबरदस्त है और आप भी यहाँ पर आइए सत्रह घंटे। मैं अगर ऐसे करूंगा तो चाय हो सकता है गिर सकता। इधर मैं जो है बस यही कहना चाहता हूँ कि शत्रुघ्न सिन्हा भी यही कहेगा कि आप लोग आइए और आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर वाली के हाथ का चाय पीकर जाइए। क्या आदर्श सर की बहुत बड़ी फैन, मैं बहुत एक्साइटेड थी सर के आने के लिए, मैं बहुत खुश हूँ बस। आज आदर्श सर को आपसे और जो क्या कहते हैं अभी हम बातचीत करेंगे तो हो सकता है वो बात सुन के भी सबका मन में आग लग चाय का ये, जब ये पूरी तरह से ये मतलब कहते हैं ना कि क्रांति ला सकती है ये चाय का स्टॉल खोल के, तो आने वाला कल ये तो कुछ भी कर सकती है। यानी कि यूथ, नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजे न्यूज रिपोर्टर और मैं बिहू कुमार झा। इस वक्त हम आत्मनिर्भर चाय वाली जो नया स्टॉल खुला है गांधी मैदान के ज्ञान भवन बिल्डिंग के ठीक सामने, ऐसे में आत्मनिर्भर चाय वाली जो मैडम है उनसे ही मिलेंगे। देखिए चाय का स्टॉल है और काफी शानदार चाय जो है बन के तैयार हो रहा है। तस्वीरों में देखिए आप, ये देखिए हम इनसे ही मिलेंगे। आत्मनिर्भर चाय वाली है, क्या कहेंगे? बहुत जी, आपने क्या पूछा? अरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखिए एक नया मतलब कि इनिशिएटिव होता है किसी भी लड़की के लिए और चाय का स्टॉल और आत्मनिर्भर चाय, क्या इनको संदेश देंगे? सब यही कहना चाहते हैं, यही संदेश यही है कि जब बात जहन पर आ जाती है, जहन पर उतर जाती है ना, तो कभी भी कुछ भी कर गुजरने की तमन्ना आ जाती है। और ये तमन्ना है, ये जोश है और इस जोश को मतलब बरकरार रखना चाहिए सबके साथ, ये जोश और जज्बात है जैसे आपके साथ है। लेकिन एक बात ये है ना कि मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, इसका तो पूरा उदाहरण है, एग्जांपल पूरा जीता जागता उदाहरण है। हाँ। और जब ये पास बहुत सारा ऑप्शन है और बहुत सारे ऑप्शन हैं, सेल्फ मतलब कि जो आप रोजगार की बात करते हैं वो दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। और बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल भाई। और आप तो चाहते हैं और आपने टेस्ट किया? अभी तो टेस्ट करेंगे, देखते हैं। देखिए अब थोड़ा सा ही चुस्की लेते हैं, आपसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग हमारे भैया लोग भी आए हैं। चाय का टेस्ट कीजिए, बताइएगा साथ में है? बहुत बढ़िया। फ्लेवर कैसा है भैया? फ्लेवर कैसा है? मुँह तो दुश्मन का जलेगा भैया। फ्लेवर कैसा है चाय का? बहुत प्यारा, रोशन रोशन थोड़ा सा मैम, थोड़ा सा बता दीजिए ये आपका जो इनिशिएटिव है चाय का स्टॉल, तो क्या कुछ कहेंगे जितने भी आपके चाहने वाले लोग हैं, जो समझने वाले हैं कि लड़की होकर के चाय का एंटरप्रेन्योर बिजनेस? मैं सबको थैंक यू बोलूंगी, सबने मुझे सपोर्ट किया इसलिए आज मैं बस मैं सबको थैंक यू। इतना बड़ा सेलिब्रिटी आए, कैसा लग रहा है सर? मैं हां आदर सर को चाय पिलाई, मैं बहुत खुश। तो मैम चाय पिलाया आपने? मैंने उन्हें चॉकलेट चाय पिलाया, चॉकलेट चाय पिलाया। मैम आज स्टार्ट किए हैं आप? स्टार्ट आज नहीं, मेरा 4 महीने पहले से चल रहा है सर पहले से। तो मतलब की कौन कौन सा फ्लेवर है? 4-5 चॉकलेट मसाला कुल्हड़ रोज। और कॉस्ट कितना है? 10-20। मैं बहुत उनको थैंक यू बोल रही हूँ कि वो मेरे पास आए, मैंने बस उन्हें एक मेल किया था और सर ने रिस्पॉन्स किया और सर आ गए। आपने सिर्फ मेल किया और आ गए? हाँ, मैंने उन्हें मेल किया था, फिर उन्होंने खुद मुझे कॉल किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आदर्श सर ने ये आवाज में मिमिक्री करके बताया कि इसके आत्मनिर्भर चाय वाली का चाय पी। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, सर ने सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लग रहा है। सर से पैसा भी नहीं देगा? सर का प्यार मिल गया बहुत है। देखिए आदर्श भाई हैं जो कि यहाँ पे मतलब कि इंस्पायर करने के लिए पहुँचे हैं। चाय का स्टॉल है आत्मनिर्भर चाय वाली, जो कि शानदार तरीके से चाय का जो है इनका एक बिजनेस है, नया इनिशिएटिव। जो कि एंटरप्रेन्योर की बात करें, सेल्फ बिजनेस की बात करें, तो ये खास बात देखने को मिलती है। और ज्ञान भवन जो खास जगह है होता है पटना के गांधी मैदान के ठीक बगल में, आत्मनिर्भर चाय वाली का स्टॉल, और ऐसे में इस चाय के स्टॉल के माध्यम से अपना बिजनेस को डेवलप करना और एक नया इनिशिएटिव, एक यूथ के लिए इंस्पिरेशन देखने को मिलता है। और ऐसे में आदर्श भाई आकर के इनका मनोबल बढ़ाए हैं और एक इन्होंने ट्वीट किया, एक मेल किया और वो पहुँच गए। यानी कि आर्टिस्ट हैं आदर्श भाई और लोगों को इंस्पायर करते हैं, ऐसे में इनका भी मनोबल बढ़ाए हैं। मुझे लगता है कि इनका जो बिजनेस है और दिन दोगुना आगे बढ़े और काफ़ी आगे जाएं। देखने की बात यह है कि मोदी जी कहते हैं कि आप निर्भर बनो, इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिलता है। अब आत्मनिर्भर चाय वाली के रूप में यदि कोई लड़की चाय का स्टॉल लगाती है तो कहीं ना कहीं बहुत ही काबिल तारीफ़ है।
और भी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।